आइए देखते हैं मजा आएगा। वेलकम भी करेंगे। अरे हम जिहादियों से नफरत करते हैं भाई साहब। मगर क्यों? अरे डॉक्टर रिजवान अहमद, डॉक्टर तारिक फतेह जैसे स्कॉलर, महान स्कॉलर जिसकी पैर की धूनी नहीं है जिहादी, जब मुझे फॉलो करके समर्थन देते तो आपको लगता है मैं उनसे नफरत करूंगी? अरे ये तो अपने हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा बताओ, बताइए कौन बता रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, सनातन सबसे प्राचीन धर्म, 5,000 साल पुराना, 6,000 साल पुराना। वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या मैडम? कितनी? नहीं, 8 करोड़। उसमें क्रिश्चियनिटी कितनी है? ये फंस गया सी है। मैं जवाब लिया, जब सवाल ही नहीं हुआ मेरा। क्रिश्चियनिटी 31% है, उसके बाद मुस्लिम है 26%, उसके बाद अनअफिलिएटेड पीपल, दोज़ हू नॉट बिलीव इन गॉड। सुनो, दोज़ हू नॉट बिलीव इन गॉड अभी भी फॉरेन कंट्री के रिलीजियस, नो रिलीजियस बढ़ते हैं। उसके बाद 15% हिंदू हैं। जब सनातनी है तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सनातनी की होनी चाहिए। क्रिश्चियनिटी की क्या, मॉर्मन की क्या, बताइए? सनातनी ने धर्म परिवर्तन करा ना, तो बचाया क्यों नहीं उनको? बचाया क्यों नहीं? गजब बेइज्जती है। सनातनी ने धर्म परिवर्तन करा ना, तो बचाया क्यों नहीं? बचाया क्यों नहीं? क्यों तेरे परिवर्तन करने दिया? बचाते कहाँ थे तुम? घर से कहते हैं सनातनी है हम, घर से कहते हैं सनातनी है हम। हिंदू जगाने आए हैं, हम हिंदू जगाकर। संविधान में लगा 34 साल के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, बताइए उम्र होने वाली है उनकी पूरी। अगर डिग्री फर्जी होगी तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। का नियम है, अगर डिग्री फर्जी है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये सरकार नियम है। और जिस लैंग्वेज में मोदी जी ने अपने डिग्री दी है वो लैंग्वेज 1992 में आई है, जबकि मोदी जी ने 1975 में दिखाई है डिग्री। गजब बेइज्जती है। प्रधानमंत्री बने हैं ऐसे लोगों की वजह से जो लोग धर्म और जात के नाम पे वोट डालते हैं, ना कि एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई और डेवलपमेंट के नाम पे वोट डालते हैं। क्योंकि मोदी जी आएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, पब्लिक वोट हिंदू मुस्लिम पे डालेगी। मजा आया। मोदी जी सिर्फ बोलते ही हैं। मोदी जी ने अभी एक स्टेटमेंट में बोला था, मुझे 600 करोड़ लोगों ने वोट दे के प्रधानमंत्री बनाया। जबकि 140 करोड़ ही है, 600 करोड़ लोगों ने कैसे दे दिया वोट उन्हें? मजा आया।